आज की हम डिश बना रहे हैं वो है आलू और साबूदाने की टिक्की, लेकिन हम ये अपने स्टाइल से बना रहे हैं, यानी कि एक हेल्दी स्टाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इसके लिए हमको चाहिए आलू जो कि हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हैं जी, और उनको हमने मैश कर दिया, यानी कि पीठी बनाई है। आप अपने हाथ से तोड़ के उसको बना सकते हैं जी। इसको हम डालते हैं एक मिक्सिंग बोल में। ये आलू हो गए लगभग 3 मीडियम साइज के आलू, ओके, जिसको जब हमने बॉईल किया था तो हमने उसमें नमक डाला था जी। अब हम इसमें डालेंगे साबुदाना, यानी कि सागो जी, जो हमने यहाँ रखा हुआ है। इसको भी हमने पानी में भिगो करके रखा था जी, ताकि ये फूल जाए। साहिल, इसे कितनी देर पानी में भिगोते हैं? दीपिका, इसको आप रख सकते हैं आधे घंटे तक पानी में, ओके, ताकि ये उठ जाए जी। और ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 चम्मच जी, 3 आलू में जी। ये 2 चम्मच सेसमी सीड हम इसमें डालेंगे जी। आपको इसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। इसको हल्का सा हम रोस्ट कर रहे हैं जी, इसी में। राइट साहिल, जो तिल है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। बिल्कुल। वैसे तो हम सब जानते हैं कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि दूध या दूध के जितने भी उत्पाद हैं, जैसे कि पनीर है, मक्खन है, सब में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनके लिए तो सेसमे सीड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वो दिन में रोज़ 1 या 2 चम्मच तिल ले सकते हैं, तो जिससे उनको कैल्शियम की जितनी मात्रा चाहिए वो मिल जाएगी। एकदम सही कहा आपने दीपिका। जब तक आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बता रहे थे जी, तब तक मैंने इसमें डाला है थोड़ा सेंधा नमक जी, 1/2 चम्मच जी, और मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, इसको चटपटा बनाने के लिए, ओके, ठीक। और सेंधा नमक हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप जब व्रत रखते हैं कई लोग, तो उसमें ढूंढते हैं कि क्या चीज खाई जा सकती है, बिल्कुल, तब आप ये खा सकते हैं जी। और साथ साथ साहिल, जो सेंधा नमक है उसमें मिनरल भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप अपनी रेगुलर कुकिंग में भी सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें अब मैं डाल रहा हूँ मूंगफली, जो कि मैंने इसी तरह से पहले टोस्ट की थी बिना तेल के जी। और आप देख रहे हैं कि सेसमी सीड हो चुके हैं, हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो इसको हम निकाल करके इसमें डाल देते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर ज्यादा इसको करेंगे तो जल जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते जी, बिल्कुल। मूंगफली एक काफ़ी अच्छा वेरिएंट है जैसे आपने बताया, और इसमें हमें उतने ही फायदे मिलते हैं जैसे कि आप बादाम खाते हैं कि आपको विटामिन ई मिले, प्रोटीन मिले, और जो नट्स में ऑयल होता है, उसी तरह के हर गुण और हर फायदा आपको मूंगफली में भी मिलता है। एकदम सही कहा आपने दीपिका। और इसको थोड़ा तीखा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी हरी मिर्च की पेस्ट, ओके। ये हरी मिर्च है जी, जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। और पेस्ट कैसे बनाया है, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है, उसको पीस लिया है, ऑलराइट। और जो कॉर्नफ्लावर डाला था हमने तकरीबन 3 छोटे चम्मच डाले हैं जी, इसको करारा करने के लिए, राइट। और हरी मिर्च का पेस्ट जो है 1/2 चम्मच। और अब हम बनाएंगे इसके छोटे छोटे पेड़े जी, और पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डालें। कई जगह जैसे मैंने आपको बताया इसको फ्राई किया जाता है देसी घी में या ऑयल में, जो कि एक हेल्दी तरीका नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसको सिर्फ सेक रहे हैं जी, और आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। आलू में ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर आप आलू को तलते हैं तो वो बहुत ज्यादा फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। उसके लिए भी एक तरीका है कि हम आलू को उबाल कर उसको पोटैटो वेजेस की शेप में, या जैसे फिंगर चिप्स बच्चे खाते हैं उस शेप में आप उनको काट लीजिए। उसके बाद जैसे आप तवे पर ये टिक्की बना रहे हैं, सेम तरीके से आप उसको रोस्ट कर सकते हैं, वो दोनों तरफ से लाल हो जाएंगे, तेल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसमें बच्चे भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। बिल्कुल, टिक्की भी बन चुकी है जी, तो निकालें एक प्लेट, जरूर हल्के से उठाएं। बहुत ही बढ़िया, और ये दोनों तरफ से काफी करारी भी हो गई है। हाँ जी, देखा आपने कि बिना तले हुए हमने इसको कितना करारा कर दिया है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो लीजिए, तैयार है आलू और साबूदाने की टिक्की। Food, food, it's sizzling.